Welcome students to St. Mary English High School, Nalasopara West. Today we are going to learn EVS. Let's start today's topic, lesson number, chapter number 15, Water Animals. Water Animals मतलब पानी के जानवर. Dolphin, Crab, fish, whale, turtle, octopus, walrus, starfish, lobster, seal. Question number 1. Which is the largest water animals? बच्चों, पानी के जानवरों में से सबसे बड़ा जानवर का नाम क्या है, उसे हम आंसर में पढ़ेंगे. आंसर, द व्हेल इज द लार्जेस्ट वाटर एनिमल. बच्चों, आपने देखा ना, सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, क्या नाम है उसका, व्हेल, जो पानी का सबसे बड़ा जानवर है. क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू फ्रेंडली वाटर एनिमल्स. बच्चों, जो पानी में जानवर रहते हैं उसमें जो फ्रेंडली हैं, उनका फ्रेंड है, उनका ही नाम बताना है आपको. आंसर, डॉल्फिन एंड सील्स आर टू फ्रेंडली वाटर एनिमल्स. बच्चों, जो पानी के दो जानवर हैं उसका नाम है डॉल्फिन एंड सील्स, जो फ्रेंडली रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच वाटर एनिमल्स आर ईटन एज फूड. बच्चों, पानी का कौन सा जानवर है जो खाया जाता है, उसे हम आंसर में पढ़ेंगे. आंसर, फिशेस, क्रैब्स एंड लॉबस्टर आर ईटन एज फूड. बच्चों, जो पानी का जानवर है खाया जाता है उसका नाम है फिशेस, क्रैब्स एंड लॉबस्टर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू वी गो टू सी वाटर एनिमल्स. बच्चों, आप पानी के जानवर कहाँ पे देखते हैं, वो हम अभी आंसर में पढ़ेंगे. आंसर, वी गो टू एन एक्वेरियम टू सी वाटर एनिमल्स. बच्चों, आप मछली घर गए हैं कि नहीं कभी, मम्मी डैडी के साथ या स्कूल से पिकनिक के साथ, वहाँ जो मछली घर रहता है ना, उसमें हम लोग एनिमल्स, वाटर एनिमल्स देखते हैं ना, उसको ही एक्वेरियम बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू वी कीप आवर पेट फिशेस. बच्चों, जो फिश है आप उसको कहाँ पे रखते हैं, वो हम आंसर में पढ़ेंगे. आंसर, वी कीप आवर पेट फिशेस इन अ फिश टैंक. बच्चों, एक मछली रखने का टैंक रहता है जो कांच का बना रहता है, हम लोग उसमें फिश रखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं ना, आप उसको दाना खिलाते हैं ना. थैंक यू सो मच. I hope you liked the video.